मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम बेकरी स्टाइल एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। इस केक को बेक करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरा अगारो ग्रैंड 40 लीटर ओटीजी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में डाले 3/4 कप दूध और 2 टीस्पून सिरका या फिर नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स करें और 10 मिनट के लिए रहने दें। ये दूध रूम टेम्परेचर पर है। अगर आपको सिरका यूज नहीं करना है तो आप 1/2 कप दूध और 1/4 कप दही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिरका डालने के बाद मैं इसे रख रही हूँ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आपको ये हल्का सा फटाफटा सा नजर आएगा, कोई बात नहीं, ऐसा ही ये चाहिए। फिर डाले 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और 1/4 कप खाने वाला तेल, सरसों का तेल या फिर मूंगफली का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये तेल आप केक में यूज ना करें, अवॉइड करें, इनकी खुद की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट होती है। तो कोई भी ऐसा तेल जिसमें ज्यादा स्मेल ना हो, या फिर आप पिघला हुआ घी या फिर यहाँ पर मक्खन भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। एक चलनी रखें और फिर डाले 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लें। आप इन्हें छान सकते हैं या फिर पहले अलग से एक बोल में एक विस्क से मिक्स भी कर सकते हैं और फिर रेसिपी में यूज कर सकते हैं। अब शुरुआत में आप विस्क से अच्छे से बैटर को मिक्स करें। हल्का सा स्टार्टिंग में आप जोर से घुमा सकते हैं जब तक कि जो गुठलियाँ हैं, लम्ब्स हैं, वो ना निकल जाए। पर हमें इसे अंडे के केक की तरह बहुत ज़्यादा देर तक फेंटना नहीं है। बैटर अच्छा स्मूथ हो गया है। अब साइड्स को आप एक स्पैचुला से स्क्रेप कर लें और थोड़ा सा बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे मैं डाल रही हूँ मेरे 6.5 इंच के केक टिन में, जिसमें बेस में मैंने लगाया है पार्चमेंट पेपर और साइड में मैंने लगाया है थोड़ा सा तेल। आप साइड में भी पार्चमेंट या बटर पेपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें केक बेक करना है। केक बेक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा अगारो ग्रैंड 40 लीटर ओटीजी। इसमें रोटिसरी भी है और कन्वेक्शन फैन भी। ओटीजी में बेक करने के फायदे ये है कि आपको इसे अटेंड नहीं करना पड़ता है ज्यादा, आपको सही टेम्परेचर की सेटिंग मिलती है, यानी आपकी बेकिंग पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। ओटीजी का और एक एडवांटेज है कि इसमें केक जल्दी भी बेक हो जाता है। तो यहाँ पर 3 नॉब्स दिए गए हैं। सबसे ऊपर वाला है फंक्शन नॉब, नेक्स्ट है टेम्परेचर नॉब और उसके बाद है टाइमर नॉब। केक बेक करने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन को खाली रखकर आप प्रीहीट करें। 10 मिनट प्रीहीटिंग के बाद फिर रखें अपना केक का मोल्ड और फिर 30-35 मिनट्स 180 डिग्री सेल्सियस पर ही इसे बेक करें। केक पूरी तरह से पका है या नहीं ये चेक करने के लिए आप इसके बीच में डाल सकते हैं एक चाकू या फिर एक स्क्यूअर या फिर टूथपिक। अगर वो साफ निकल आए बिना बैटर के, मतलब केक बन गया है। अब इसे होने देते हैं ठंडा पूरी तरह से। तब तक बनाते हैं चेरी कंपोट। तो यहाँ पर मेरे पास है चेरी, ये कैन चेरी है। आप फ्रेश चेरीज भी यूज कर सकते हैं। कैन या फिर फ्रेश दोनों ही अगर आपके पास नहीं है तो जो करौंदा आता है जो चेरी के नाम पर बिकता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस 1 कप चेरी में मैंने डाली है 1/4 कप चीनी। अब इसका मैं बना रही हूँ कंपोट। अगर आप करौंदा बनाते हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर दें, उसी को चॉप करके आप इस कंपोट की जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। तो कंपोट अगर आप बना रहे हैं तो इसमें 1/2 मीडियम साइज का नींबू का रस आप डालें, इससे इस चेरी कंपोट का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आपको तब तक इसे पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। बस ये बन गया है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर और भी गाढ़ा हो जाएगा। गनाश के लिए मैं यूज कर रही हूँ 50 ग्राम डार्क चॉकलेट, 45% डार्क है। इसमें 2-3 टीस्पून आप दूध डालें या फिर फ्रेश क्रीम। इसे आप एक उबलते हुए पानी के बोल के ऊपर रखें और फिर इसे मिक्स करें जब तक कि ये चॉकलेट और मिल्क मिक्स ना हो जाए। इसे डबल बॉयलर मेथड कहा जाता है। अगर सीधे आप इस मिक्सचर को गैस पर चढ़ाएंगे तो चॉकलेट जल सकती है, इसलिए हम एक पानी के बर्तन के ऊपर बोल रखते हैं ताकि चॉकलेट ना जले। तो ये गनाश रेडी है। केक भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है और बहुत ज्यादा डोम नहीं बना है, काफी इवन बेकिंग हुई है। तो हल्की सी एक लेयर ऊपर की मैं निकाल रही हूँ। अब केक को मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आप कोई सेरेटेड नाइफ यूज करेंगे तो आपको केक को लेयर करने में ज्यादा आसानी होगी, केक के टुकड़े नहीं गिरेंगे। तो देखिए काफी अच्छा जालीदार केक बना है। जब मैं इस पर सिरप डालूंगी तो कितनी झट से वो इसके अंदर चला जाएगा, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो केक की लेयर सेपरेट हो गई है। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम एकदम ठंडी ठंडी। आप 1 कप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, उसमें भी आपका काम हो सकता है। मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है जस्ट इन केस मुझे डेकोरेशन में जरूरत पड़े। तो ठंडी ठंडी व्हिपिंग क्रीम को आप व्हिप करें स्टिफ पीक्स आने तक।
5 से 6 मिनट आपको इसमें लग जाएंगे। मैंने यहाँ पर यूज़ की है नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम, जिसमें ऑलरेडी चीनी होती है तो अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। केक सजाने के लिए मैंने लिया है केक बोर्ड, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम ताकि केक अच्छे से अपनी जगह पर चिपक जाए। केक बोर्ड की जगह आप एक नॉर्मल प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कैन चेरीज यूज़ की है, इसलिए उसके अंदर का पानी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज आप 1/4 कप पानी में 1 से 2 टीस्पून चीनी मिलाकर वो सिरप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। केक को अच्छे से सोक करने के बाद आप लगाएं व्हिप्ड क्रीम। अब व्हिप्ड क्रीम को मैं स्पैचुला से स्प्रेड कर रही हूँ इस तरह से कि बीच में एक गैप बना रहे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक पाइपिंग बैग में आप व्हिप क्रीम को भर सकते हैं और केवल साइड से पाइप करें और फिर बीच में आप थोड़ी सी चेरी भरें। पर ये मेथड भी आसान है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बीच में चेरी कंपोट मैंने डाला है। ध्यान रहे कि चेरी कंपोट पूरी तरह से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, या फिर आप फ्रिज में उसे रखें, उसके बाद ही केक में यूज़ करें। गर्म चेरी कंपोट क्रीम के ऊपर ना डालें। थोड़ी सी ऊपर से मैंने और क्रीम लगा दी है, ऐसा इसलिए कि जो नेक्स्ट लेयर आएगी केक की वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक सके। ये जो छोटा सा स्पैचुला जैसा आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली बटर नाइफ है एक तरह का। अब आ गई नेक्स्ट लेयर पर भी हमको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो थोड़ा सा सिरप, फिर वो चेरी वाला हो या फिर नॉर्मल चीनी और पानी वाला। केक के 2 लेयर्स के लिए आप ये सेम स्टेप रिपीट करें। सबसे ऊपर वाली जो केक की लेयर है, मैं ये केक का बेस यूज़ करती हूँ क्योंकि काफ़ी फ्लैट होता है। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि जो केक का बॉटम है उसे सबसे ऊपर रखें डेकोरेशन के टाइम पे। अब पूरी तरह से केक को आप क्रीम से कवर कर दें। मैं शुरुआत ऊपर से करती हूँ और उसके बाद स्पैचुला से स्प्रेड करके इसे इवन आउट करती हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट केक है, बहुत इवन आउट करने की ज़रूरत नहीं है। केक के टॉप में मैं डाल रही हूँ चॉकलेट गनाश। तो ये गनाश अब रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो चॉकलेट का गनाश भी आपका गरम गरम नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। गनाश को अच्छे से आप स्प्रेड कर लें। गनाश से काफ़ी अच्छा टेस्ट ऐड हो जाता है, तो गनाश और चेरी कंपोट ये दोनों एक बहुत अच्छा टेस्ट ऐड करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक में। फ्रेश चेरीज आपको मिल जाए तो सबसे बेस्ट। अब शेव्ड डार्क चॉकलेट साइड से आपको लगानी है, तो इसे बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो ग्रेटर है, कद्दूकस है मोटा वाला, उससे आप ग्रेट कर सकते हैं चॉकलेट को। और जैसे ही ग्रेट करेंगे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि जो चॉकलेट है अगर थोड़ी सी मेल्ट सी हो रही है वो हार्ड हो जाए, और उसके बाद आप इसे लगाएं। बची हुई नीचे की गिरी हुई चॉकलेट को हाथ न लगाएं, चम्मच से उसे वापस केक पर चिपकाएं। हाथ की गर्मी से चॉकलेट मेल्ट हो सकती है। ऊपर डिज़ाइन पाइप करने के लिए आप एक नॉर्मल स्टार नोजल यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्रेंच टिप, जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ फ्रेंच नोजल, ये यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली डेकोरेशन के लिए आप चेरी रख सकते हैं। ये केक रेडी है, आप इसे इमीडिएटली भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 घंटे सेट करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। केक दिखने में भी सुंदर लग रहा है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा बना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका वेट। तो केक का वेट केक बोर्ड का माइनस करके है 939 ग्राम, तो क्लोज टू 1 kg ये केक बना है। OTG में टेम्परेचर पर बेटर कंट्रोल मिलने की वजह से केक काफ़ी अच्छा बन जाता है। हमें समझ में आता है कि हमें ओवर बेक इसे नहीं करना है। ये देखिए केक की स्लाइस कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर भी लग रही है और साथ में काफ़ी मॉइस्ट एंड डिलिशियस है। चेरी कंपोट और चॉकलेट गनाश से इसमें 4 चांद लग गए हैं। आई होप आपको इस केक की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो या यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।